अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जो बटन नज़र आ रहा है आपको इस पर प्रेस करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वो BA BSc ADP को लेके जो वो टेंशन में होते हैं, तो मैं इस चीज़ के अंदर जो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि देखिए बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैंने बच्चों से जाओ उनका रिजल्ट निकाला, जिन जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हुए थे फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने तैयारी कैसे की। यकीन करें हर बच्चे ने बोला कि मैंने पास्ट पेपर से भी तैयारी की है। और फिर मैंने पूछा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी पास्ट पेपर से कुछ नहीं आता, लेकिन यकीन करें उन्होंने मुझे खुद बोला कि 60% 70% जो पेपर है ना वो पास्ट पेपर से आता है। देखिए मसला पता है क्या, मसला ये है कि आप लोग चाहते हो कि जो पास्ट पेपर में सवाल आया ना वही उठा के आपको सेम वही दे दे, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता और ना ही होगा, क्योंकि सेम देना ये तो एक बेवकूफ़ी होती है। और इतने बड़े लेवल पर सेम पेपर देना जो है ना ये चीज़ नहीं होती। हाँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है, तो ऐसे होता है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते, आप लोग कहते हो कि हमें एग्जैक्ट जो है वो मिले। पेपर मैंने अपलोड कर दिए हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो मैंने हर बुक के जो है वो पेपर अपलोड किए हुए हैं। इंस्ट्रक्टर एम उमर जो है वो चैनल विजिट करें यूट्यूब के ऊपर, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें मैं आपको यहाँ पर जो है ना मैं ओल्डेस्ट से शुरू होता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें इंग्लिश फिजिक्स हर किताब के मैंने पेपर जो है वो 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल पेपर अपलोड किए हुए हैं। साइकोलॉजी के ये देखिए हर चीज़ मैंने जब वो अपलोड की हुई है, पहले आप लोगों को अब ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। हर पेपर पढ़ा हुआ है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं जो आपकी बुक के रिलेटिव है। एजुकेशन के बहुत सारे बच्चे आके मैसेज करते हैं कि सर हमें जो पेपर वो वाला नहीं मिल रहा, पेपर सारे पढ़े हुए हैं, बस आपने ढूंढने हैं। और ढूंढने का एक तरीका ये है कि आप ऐसे एक एक करके देख लें अपनी बुक का, क्योंकि सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा आप ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है ना, आपने इस पर क्लिक करना है प्लेलिस्ट वाले पे, और ये देखिए आपको एक फोल्डर्स नज़र आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फोल्डर बने हुए हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी के हो आपने वो वाला फोल्डर ओपन करना है, ठीक है। ये ज़रा से नीचे आ जाए सबसे, तो ये देखें BA BSc ADP पार्ट 1 पास्ट पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी PU, BA BSc ADP पार्ट 2 पास्ट पेपर्स PU, ठीक है। मैं आपको दोनों जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी ये देखिए हर चीज़ जो है वो अलहदा अलहदा फोल्डर्स में बना के मैंने रखी हुई है आप लोगों के लिए। ये 10th के गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, ये 9th के गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो है वो IUB के पड़े हुए हैं, सरगोधा यूनिवर्सिटी के, BZU के पड़े हुए हैं, ये 11वीं क्लास के गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, 12वीं क्लास के गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। ये देखिए ये पास्ट ये पार्ट 1 के पेपर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, ये देखें हर पेपर पढ़ा हुआ है, 5 साल 6 साल 7 साल पेपर पढ़े हुए हैं पुराने, ये आपके सामने देख ले मैं सारे आपको दिखा रहा हूँ, ये अपलोड है, आप लोग अपने जाकर बस देखने हैं। और इससे बेहतर आपकी तैयारी मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी नहीं हो सकता। देखिए 2014 में मैंने BSc की थी और हमें चीज़ों का पता ही नहीं था, हमने पास्ट पेपर्स 5 साल लिए और उन्हीं से हमने तैयारी की थी। जब हम 5 साल पेपर्स देख लेते हैं ना हमें हर चीज़ की समझ लग जाती है कि अच्छा पेपर जो है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और अगला पेपर कैसे आएगा। इतना तो बंदे को हो ही जाता है इलम कि जब पेपर वो 5 साल पेपर को देखता है ना बार बार, तो उसको समझ लग जाती है कि पेपर्स कैसे बनाते हैं वो, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे उठाते हैं, कौन सा क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट कैसे चेंज करते हैं, वो हर चीज़ तो आपके साथ जो है वो समझ आ जाती है। ये देखें इतने पेपर्स आपके सामने मैंने अपलोड किए हुए हैं, ये मेहनत मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, इसके पीछे ना कोई मकसद लाजमी है, ठीक है। आप वेबसाइट विजिट करो लोगों को, अब देखो तो वो कहते हैं जी अच्छा वेबसाइट हम बना रहे हैं, और जब पेपर देखे वो वही पुरानी वेबसाइटों के लिंक डाल देते हैं अपनी वेबसाइट में और कहते हैं जी हमने पेपर शेयर कर दिए हैं। और पुराने जो हैं वो भी वहाँ पर भी अभी तक जो है वो ऐसे पेपर्स अपलोड नहीं हुए जहाँ जैसे जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी इस चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और जाके अपनी रिलेटिव बुक के जो हैं वो पेपर्स देखें। जो नहीं अपलोड होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लाजमी कामयाब करेगा, ये चीज़ लाजमी करें, इस चीज़ को फॉलो इंशाल्लाह। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आपने मुझे पास पेपर्स का कहा था और वहीं से पेपर आ रही है, सरगोधा यूनिवर्सिटी के भी बच्चों के मैसेज आए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, और आप लोग जब वो इस चीज़ को समझते नहीं है शायद कि आप लोग पता है कि आप लोग अगले बंदे की बात पर यकीन नहीं करते, और इस चीज़ के पीछे बड़ी लॉजिक है जो मैंने आपको बताया है ना ये सारा कुछ,
तो यकीन करें कि मैं कोई ऐसे ही नहीं आपको बताई मैंने बात, ये एक्सपीरियंस है मुझे, इस वजह से मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी। ठीक है, तो लाजमी पेपर्स करें इंशाल्लाह, देखना आपको रिजल्ट जब वो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि पेपर जब वो कैसा होता है आपका, जब आप पेपर के अंदर बैठोगे ना पेपर अटैम्प्ट करते वक्त, फिर आपको याद आएगा अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, इसको ये ऐसे करना है, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से जाएँ, इंस्ट्रक्टर एम उमर लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो सबसे पहले ये वाला चैनल आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप इससे जो है वो मुतमिन होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।